All of you sit down. वीर राव उर्फ भीम राव। अरे वीरप्पन जैसी मुछे रखी है क्या? हे, ये गला क्यों खुजा रहे हो? अपनी मूछों पर ताव दो, ताव दो। अरे दो दो ना। रमेश, राणा, आनंद, अखिल और प्रसाद, इन सारे नामों के आगे सरनेम क्यों नहीं है? घबराओ मत, मुझे सब खबर है। क्या देख रहे हो? हाँ, सोच रहे हो कि एक ऑफिसर यहाँ आकर हमारे खानदान की मालूमात हासिल कर रहा है किस लिए? आई नो एवरीथिंग। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, इस शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सबको मिलने वाले रिश्वत के पैसे 4 करोड़ है। ग्रेट, कमाल है। इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, पुलिस यकीनन हिफाजत करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें आवाम कह रही है। वैसे एक मर्तबा सोच कर देखो, एक दर्जी का बेटा रास्ते से गुजरेगा तो लोग कहेंगे दर्जी का बेटा जा रहा है, एक टीचर का बेटा जाएगा तो कहेंगे टीचर का बेटा जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले का बेटा जाएगा तो कहेंगे कि पुलिस वाले का बेटा जा रहा है। सही जवाब। पुलिस वाले का हाथ कभी आसमान जैसा फैला नजर नहीं आना चाहिए, वो हाथ हमेशा आवाम को आशीर्वाद देने के लिए नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए मेरा दिल्ली से यहाँ तबादला किया गया है। ये है जेडी, बहुत बड़ा कारोबारी। अपने हाथ में अवाम के करप्ट सियासतदानों को अपने साथ रखकर ये जो चाहे वो कर रहा है। दूसरे का नाम है पोतिया राज, मारपीट के खून बहाकर इसके दिल में जो आता है कर रहा है। ये दोनों काफी जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, लेकिन अब दोनों जानी दुश्मन बन गए। इन लोगों को आज जिंदा रखा है ताकत ने। इन दोनों को पकड़ने के लिए आप सबकी जरूरत है मुझे। मदद कीजिए या ना कीजिए, इन्हें तो मैं देख लूंगा। सुनने के लिए शुक्रिया। नया नया आने वाला कमिश्नर पहले रोज यही तकरीर देता है, 4 रोज बाद कहेगा मेरा हिस्सा कहाँ है। निशाना चूका नहीं, जानबूझकर चूका है, कोई गलती नहीं होगी। अगली बार निशाना चूकेगा नहीं, गोली सीधे भेजे में होगी। बेटा कसरत हुई? नहीं 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 नहीं, ये एमएलए बनना कितना मुश्किल है अब मालूम हुआ। 5 साल से आप और पोतियाराज जिगरी दोस्त थे, इसीलिए मैंने जाकर पोतियाराज से कहा, लेकिन अब वो कमीना आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आप क्यों खामोश बैठे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है, आपका खामोश बैठना मुझे हरगिज पसंद नहीं आता। नहीं नहीं, इस पोतिया राज ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक प्रकाश नाम के संजीदा अफसर को बुलाकर आपके शराब के कारखाने के बारे में सब कुछ तफसील से सबूत के साथ बता दिया है। मैं कल प्रकाश से मिला था, उससे कहा कि वो फाइल मुझे दे दो तो जेडी साहब से बोलकर तुम्हें 30 लाख रुपए अदा करा दूंगा। अरे सुनिए तो, वो फिर भी पोतिया राज की ही हिमायत कर रहा है। प्रकाश आपके बारे में नहीं जानता कि आप क्या चीज हैं। बाप रे, ये तो प्रकाश है, मर गया क्या? आपके कारखाने में चोरी का माल तैयार हो रहा है, आप आकर देखेंगे तो सब मालूम हो जाएगा, ये कहकर मैंने ही प्रकाश को बुलाया था। पोतिया राज ने कहा था कि आपको मिनिस्टर बनवा दूंगा, इसलिए 30 लाख रुपए आपसे लेकर पोतिया राज को देकर मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश थी। मुझे मत मारिए जनाब। गाड़ी रोक। मुझे मत मारिए, अरे गाड़ी आ रही है जनाब, मुझे बचा लीजिए। अरे गाड़ी गाड़ी रोको, गाड़ी को रोको, अरे मैं मर जाऊंगा जनाब, मुझे बचा लीजिए जनाब, मैं मरना नहीं चाहता। अरे अरे क्या करूँ, गाड़ी आ रही है, गाड़ी नजदीक आ गई, बचा लिया। ओम नमः। बाबू जल्दी से नहा कर आओ, मुहूर्त बीत रहा है। ए, इन सबको हटाओ और उन दोनों को लेकर आओ। क्यों पंडित, मुहूर्त बन के क्यों खड़े हो गए? मालूम है मैं कौन हूँ? पोतिया राज,
मेरा नाम है पोतिया राज। उस रोज हमारे आदमी को एमआरए ने राशन कार्ड नहीं दिया, इसलिए 20 सड़क पे उसका खून कर दिया। उसका गवाह आप ही है ना? बहन जी, आपके शौहर का वक्त खराब है। अगर इसे मैं जिंदा छोड़ दूंगा तो कल ये अदालत में जाकर गवाही दे देगा। वेजिटेरियन खाने वाले लोगों में अगर इतनी हिम्मत है तो तो रोज मुर्गा खाने वाले हम में कितनी हिम्मत होगी? नहीं बताएंगे, छोड़ दीजिए। 5 लाख रुपए मिलेंगे ना तुमको, इसलिए गवाही देने जा रहे हो ना? गवाही नहीं दोगे तो वो मारेगा, गवाही दोगे तो मैं मारूंगा। तू कब मरेगा तुझे नहीं मालूम? तो खौफ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि तू अभी ही मर जा, समझा? सुनिए सुनिए सुनिए, तुम्हें बेवा बनाकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए तू भी मर जा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पंडितो, तुम दोनों यहाँ आओ। ये क्या है बे? राम 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 राम, क्या हथियार है? इससे मारूंगा तो क्या होगा? हाँ, इधर आओ। क्या बे पंडित, हथियार से अगर मारूंगा तो तू सब मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले माँ को याद करेगा। फिर बच्चा क्यों माँ की जगह लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है? वो क्या है कि तू बोल। त्राणाय साधु राम, वो मुझे भी मालूम है, इसका मतलब बता। सच्चाई की रक्षा के लिए अधर्म को मिटाने के लिए नहीं। हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटा, बेटा, Fuck!
जसवाल यही है क्या? नहीं जनाब, वो यहाँ है। हाँ? ये है क्या? ये छोटा बच्चा फुटबॉल प्लेयर्स को मारा इसने, इसने अकेले 11 लोगों को मारा। आई कांट बिलीव इट। ए खड़ा हो जा। ऐसे घूर क्या रहा है बे? उठ 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 उठ। जंगली बिल्ली, खूंखार शेर। इसी ने मारा है क्या? ए, क्यों डरा रहा है बे? तू कोई आदमखोर शेर है क्या? ए, जसवाल को बुलाओ। ए, तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया? किस लिए आया है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? जवाब दे! अबे, कमिश्नर पे हाथ उठाया? तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। सर सर सर, इसे मत मारिए सर। ये सच बोलेगा या ये नहीं बता सकता सर? बताना पड़ेगा। ये नहीं बताएगा सर। क्यों नहीं बताएगा? ये नहीं बता सकता है, ये गूंगा है। पानी कहाँ है? सुनिए माजी, बस स्टॉप पे जो भी हुआ आप लोग बताइए। बताती हूँ जनाब, मैं, मेरी बेटी और मेरे भैया बस से जा रहे थे। इन गुंडों ने मेरी बेटी को छेड़ा और इज्जत लूटने की कोशिश की। बचाने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आया और तब ये शेर सामने आया। ठीक है, समझ गया। अटेम्प्ट टू रेप सेक्शन 350। जसवाल, उन फुटबॉल प्लेयर्स को हवालात में डाल दो। फुटबॉल कैसे खेलते हैं मैं बताऊंगा आप। जाओ जाओ जाओ। देखिए माजी, आप शिकायत लिखकर दे दीजिए प्लीज। बाप रे, खूंखार शेर। जनाब पानी। अबे गिलास में नहीं, लोटा में लेकर आ, लोटा में। ये क्या, आप लोग बगैर बताए ही चले आए? वैसे आप लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? गांव में बारिश नहीं हुई इसीलिए हम लोग शहर आए हैं। हकीकत कहें तो इस शहर में हमारी पहचान का कोई नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? हम पहचान वाले नहीं हैं। आप परेशान मत होइए, हम 3 लोग हैं। आपके घर में अगर जगह। ये क्या कह रहे हैं? मेरी दीदी के यहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, आप लोग किसी कमरे में रह सकते हैं। भैया, मेरा भाई नहीं है, आपको ही अपना भाई मान लूंगी। हमारे साथ चलिए ना। सुन बे, एक एक करके सब लोग हफ्ता दे दो। मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तब भी कोई पैसे नहीं निकाल रहा है। भैया, मंगला दीदी गांव में नहीं है। ओहो, अरे तो मैं हूँ ना, खामोशी से पैसे निकाल। हीरोइन, इस नोट पर गांधी की तस्वीर और मेरे सीने में तुम्हारी तस्वीर है। सिर्फ एक मर्तबा हाँ कह दो, ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा और तुम मेरी बन जाओगी। चाहो तो बॉलीवुड में मौका भी दिलवा दूँ। हाँ, ठीक है ना? अरे माँ मंगला, अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम सामने आ गई। चल पैसे निकाल। नहीं मिलेगा पैसा। नहीं देगी? हाँ?
नहीं देगी, मेरी बात मानने से इनकार करेगी। किसके दम पर इतना कूद रही है हा? नरसिम्हा, अरे अरे भैया भैया, बैठ बैठ बैठ। वो क्या है भैया, आप गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं ना, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। अब इस इलाके में क्या भैया, मैं पूरे जिले में नजर नहीं आऊंगा। चलो चलता हूँ, नमस्ते भैया। आइए ना भैया। चलिए माँ जी, आइए मास्टर जी। कौन है ये बॉलीवुड का बादशाह? हे भगवान जी, एक ही शॉट में टेक ओके हो गया, रीटेक भी नहीं हुआ। इस पर एंगल मत लगाओ, एलर्जी हो जाएगी। अभी बीच रास्ते में कुछ लोगों की पिटाई करके आया है। हाँ? ऐसा हीरो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी हाउसफुल हो जाएगी। हाँ दीदी, अगर तुम्हारे साथ होगा तो किसी को डेट ही नहीं मिलेगी। उसे डेट नहीं अगर मिलेगी। मिल जाए तो इसके खाते में दूध की दुकान लिख दूंगी। ज्यादा पेमेंट मांगेगा तो? अगर ऐसा हुआ तो अपना बंगला भी लिख दूंगी। अगर राजी नहीं हुआ तो? उसके स्टाइल पर तो पूरा बॉलीवुड ही कुर्बान है। उससे भी नहीं माना तो? तो पूरा हॉलीवुड लिख कर दे दूंगी। उसी से शादी कर लो, तुम्हारी फिल्म जरूर बन जाएगी, जल्दी रिलीज हो जाएगी, फिर तुम डे नाइट शो देखना। मंगला बहन, पानी क्यों नहीं आ रहा है? हमारे घर पर तो आ रहा है। हमारे घर पे पूरा आ रहा है। हीरोइन, हीरोइन, वो बुढ़ी औरत यही पानी लेने आ रही है। पानी लेने तो मेरा हीरो ही आएगा। बेटी, माँ जी क्या चाहिए? जरा दो बाल्टी पानी चाहिए। आप बोल रही है तो दूध भी भर के दे दूंगी, फिर ये पानी क्या चीज है, जाइए ले लीजिए। अरे बाप रे, ये बुजुर्ग है, ये पानी लेकर कैसे जाएंगी? अरे बाप रे, लेकिन मैं तो पराठे बना रही हूँ। अरे वो सब माँ जी देख लेगी, तुम जाकर पानी ले आओ। सुनिए माँ जी। क्या हुआ बेटी? मैं पानी लेकर आई तो उसने तेल दे दिया। उसका सिर बहुत गर्म है, उस तेल को उसके सिर पर डाल दे, ठंडा हो जाएगा। ओह ठीक है ठीक है। बह गया पूरा पानी बह गया। ए, क्या हुआ तुमको? मैंने सारा काम कर दिया और तुम अब तक पानी लेकर नहीं गई? अभी लेकर जाती हूं। क्या कर रही हो तुम? रुको 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 रुको, इस वक्त ये कौन है? ये तो बीच सड़क पर चल रहा है। ए, गाड़ी घुमाओ। ए, तुम हो क्या? पुलिस स्टेशन और इस वक्त? ए, वक्त क्या हुआ? 12 बज गया जनाब। आधी रात में, वो भी रात के 12 बजे। तुझे बीच रास्ते में क्या काम है? ओह, तू तो बोल ही नहीं सकता, तू तो गूंगा है। सर सर, आइए आइए महाराज, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? इसे नींद में चलने की आदत है सर। नींद में चलने की बीमारी है। इस मर्तबा माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। हम जा सकते हैं क्या? नहीं,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। फिर से दोबारा नजर आए ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता दो इसको। चलो। नहीं नहीं बेटा, ये गुस्सा छोड़ दो। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? आधी रात को ये सड़क पर जा रहा था, कमिश्नर ने देख लिया, नींद में चलने की बीमारी है ये बोल कर ले आया। बेटा अभी तक दो मर्तबा कमिश्नर की नजर में आ गए हो, तीसरी मर्तबा आ गए तो छोड़ेगा नहीं। हाँ बेटा, मंजिल पर पहुंचने वाला ही पुलिस स्टेशन चला गया तो हम काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? बेटा सिर्फ हथियार चलाने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। कल सुबह मंत्री जी से मुलाकात करने जाना है। लाइए सर, लाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दावतनामा के बदले नोट भेजा था ना, इसीलिए आना पड़ा। दादाजी संभाल कर बैठो, गिर जाओगे। ए, सुनो, छोटा पार्क बोल के 10 लाख रुपए दिए थे, कितने एकड़ है? 10 एकड़ है तो और रुपए चाहिए। अच्छा सुनिए तो, मुझे ईमानदार समझता है क्या? इलेक्शन में कितने रुपए खर्च किए हैं मैंने, चुपचाप 1 करोड़ पहुंचा देना, नहीं तो पार्क की ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है जनाब, उद्घाटन के बाद जरूर भिजवा दूंगा मैं। जनाब, एक सवाल। माइक देखते ही मेरा बोल बचन शुरू हो जाता है। मेरी प्यारी आवाम को नमस्कार। जनाब, क्या हुआ जनाब? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। रुको, हम मंत्री जी के गांव वाले हैं, उनसे जरूरी बात करनी है। अभी तुम लोग नहीं मिल सकते साहब, 1 मिनट बात करके चले जाएंगे। दादाजी, कुछ लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अरे दफा करो उनको यहाँ से। चलो जनाब, ऐसी हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अच्छे से मालूम है, तुम खामोश रहो। चलो बच्चों, चलो। दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ? एम्बुलेंस जल्दी लाओ, कोई जरूरत नहीं है, मंत्री जी गुजर गए। क्या हुआ दादाजी? उठिए दादाजी, आंखें खोलिए। पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या कहा? पार्टी प्रेसिडेंट ने टिकट नहीं देने का फैसला किया है। मुझे नहीं मिलेगा? हम सबको नहीं मिलेगा। हम गुंडे हैं। ठीक है, किसी जमाने में जो सत्याग्रह करता था वो सियासतदान बनता था। पैसे देने पे एमएलए, शराब पिलाने पे एमपी बन जाऊंगा। सियासतदान बनने के लिए उस जमाने में काबिलियत की जरूरत थी, नेक इंसान बनना आज की दूसरी जरूरत है। हथियार और करेंसी, उन लोगों के पास सिर्फ करेंसी है, हमारे पास करेंसी के साथ साथ हथियार भी है। भैया छोड़ दो भैया, मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाऊंगा, उस जेडी का बेटा। जिस दिन नॉमिनेशन करेगा उसी रोज हम लोग भी नॉमिनेशन करेंगे और जीतेंगे भी। ओ
मोतिया राज जिंदाबाद, 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 मोतिया राज। प्रणाम उस्ताद जी। नॉमिनेशन के लिए इलेक्शन ऑफिसर के किच 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 हजामत करने के Don't talk rubbish। ये क्या डडडडड कर रहा है? ये अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आएगी। सियासतदानों को मारने का कारोबार करने वाला तेरे जैसे गुंडों का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। तू हमें बर्बाद करोगे तो ठीक है, हम लोग तुम्हें बर्बाद करेंगे तो जितना तो दूर जमानत भी जब्त हो जाएगी। देख लेंगे। देख लेना। बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। जरा देख तो ये क्या है बे? ये नॉमिनेशन फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। जनाब आप गलत मत समझिए, ये डीलिंग करते हैं, दस्तखत नहीं। यहाँ गवाही के लिए दस्तखत कीजिए। मुझे दस्तखत करना नहीं आता, ये अंगूठा खून में डुबो कर यहाँ लगाऊंगा तो चलेगा ना? बताइए ये क्या कह रहा है आप? वही जो आपने सुना, आपको खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वो पैड दीजिए और ये अंगूठा लगा देंगे। अंगूठा लगाइए। जरा धीरे, टेबल टूट जाएगा। मोतिया राज जी जिंदाबाद, मोतिया राज जी जिंदाबाद, मोतिया राज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए, तेरी हरकत से मालूम होता है ये नेता बन जाएगा तो इसके पीए बनेगा। ये सियासत है, पैसा ही सब कुछ है। क्यों, इस सियासत में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पैसा नहीं होगा तो किसी की दाल नहीं गलेगी, इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। जा जाके आवाम से मिल। भैया मालूम नहीं कैसे हादसा हो गया, हमारे चार लड़के मारे गए। भैया ये काम जिस किसी ने भी किया होगा ना, उसे जान से मार दूंगा। तुम्हारी बात मारूंगा तो मुझे ही मरना पड़ेगा। भैया गाड़ी में बम मैंने ही रखवाया था। क्या आपने? मानता हूँ कि हमारे चार लड़के मारे गए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे हमें 50,000 वोट मिलेंगे, 50,000 वोट। देख क्या रहे हो, खून लेके आओ। अपना नहीं, ब्लड बैंक से लेकर आना। भैया खून किस लिए? अरे तुम सो जाओ भैया, सो जाओ पहले। अरे भैया भैया। बम ब्लास्ट में तुम जख्मी होके अस्पताल दाखिल हुए हो, पूरे बदन में चोट लगी है। पब्लिसिटी खुद ब खुद हो जाएगी। कैसी है मेरी सियासत? टीवी वालों को बुलाया है। तुम जोर जोर से चिल्लाना, चार वोट ज्यादा हासिल होंगे। जरा अदाकारी करनी होगी। मुझे सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? दूसरों को मारो तो गुंडा और खुद को मारो तो सियासत। तुझे तुम्हें इधर आ। मेरे अलावा इस मंजिल पर और कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनाब अंदर पोतियाराज और पोतियाराज का भाई है, अस्पताल के आसपास बहुत कड़ा इंतजाम किया है। डॉक्टर मरीज की हालत अब कैसी है? वो अब खतरे से बाहर है जनाब। हाँ, तो जनाब लोग आप लोग कौन है? हम पोतिया राज के आदमी हैं। अच्छा पोतिया राज। यहाँ पर कमिश्नर है, अंदर जाना मुश्किल है। हाँ जी जनाब, ठीक है जनाब। कहाँ जा रहे हो तुम? जख्म हो गया है सर। इसे कुछ किए बगैर नींद नहीं आती क्या? जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। हेलो, हाँ बोलो। प्रेस वालों को बुलाया ना? हाँ बुलाया तो है। हाँ टीवी वालों को भी बुलाया भैया। हाँ
नहीं 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 मेरे पास नहीं जो कहा है वही करो। भैया कमिश्नर आईसीयू के पास जा रहा है। कमिश्नर यहाँ मरने क्यों आ गया? चलो जसवाल तुम यहीं रुको, ठीक है? क्यों जनाब, मेरा भाई जिंदा है या मर गया वही देखने आए हो? अंदर जाने नहीं दूंगा। वर्दी वाले अफसर को रोकने का अंजाम पता है ना? आईजी साहब को मालूम है। कमिश्नर जी एक मिनट। आईजी सर। जी सर बोलिए। सिक्योरिटी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, ये जेडी और मेरे दरमियान की बात है, हम दोनों इसे हल कर लेंगे। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जा। भैया वो टीवी वाले आ गए। क्या? जल्दी चलो। देखिए मेरा भाई किस हालात में सोया है। हुकूमत कह रही थी कि गुंडे को टिकट नहीं देंगे। गुंडे को टिकट नहीं मिलेगा। अब बताइए गुंडा कौन है? हम लोग गुंडे हैं या वो लोग गुंडे हैं? हमारे पास छोटे छोटे चाकू है, उनके पास तो बड़े बड़े बम है। बम कलम से चाकू? अब नहीं, चाकू से कलम ज्यादा खतरनाक है, ये आप लोगों को साबित करना पड़ेगा। मेरे भाई के साथ जो धोखा हुआ है उसे लिखकर हम लोगों को इंसाफ दिला दीजिए। डॉक्टर, ए डॉक्टर, मेरे भाई को उठाइए। भैया जबरदस्त अदाकारी। बड़े भाई से छोटा भाई बेहतर अदाकार है, ऐसा लग रहा है कि जिंदा होकर भी मर गया है। ए, उठाओ। आपके भाई क्या हुआ? अब नहीं रहे जनाब। भैया टीवी वाले प्रेस वाले हैं, खामोश रहिए। आप लोग जाइए जाइए। ये कैसे हो गया डॉक्टर? हम लोग जब नीचे थे मालूम होता है तभी जीडी के लोगों ने इन्हें मार दिया। पोतिया राज कहाँ है? ऊपर बैठे हैं, चलिए ना। हाँ भैया, मंत्री जी आए हैं। तो मैं मर गया था क्या? 40 साल की सियासत में कितने एमएलए को मारा है, कितनों को बर्बाद किया है मैंने। क्या हो जाता तुझे अगर ये बात तू मुझे पहले बताता? अरे तू पहले बताता तो बात कुछ और होती। एक्शन अपनी जगह, रिएक्शन अपनी जगह। जब चाहो उसे दिमाग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुद को अकलमंद समझकर धमाका करवा दिया, क्या हुआ? तुम्हारा भाई पार्लियामेंट जाने के बजाय परमानेंट चला गया। इधर सुनना, मुझे गुरु मानकर मेरी बात गौर से सुन। इस कमिश्नर की नजर तुम दोनों पर है। तुम्हारे भाई को जेडी ने मारा है, ऐसी झूठी शिकायत कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। दोबारा अगर ये बात तेरी जुबान से निकली तो इसी पैर से तेरा गला दबा दूंगा, याद रखना, समझा? जा 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 जा। मुझे पागल समझाए क्या? तुम्हारे सियासतदानों की तरह कुत्ता समझाए क्या? पोतिया राज नाम है मेरा। सियासतदान और गुंडों के दरमियान एक लंबा फासला है। तुम लोग भगवान की तरह हो, हम लोग राक्षसों की तरह हैं। कोई भी पुराण उठा के देख लो, तू हमेशा धोखा देता आया है। सदियों से आज तक यही होता आया है। अब मैं हलचल मचा दूंगा, पूरे मुल्क के गुंडों को एक साथ इकट्ठा कर दूंगा। सब लोग मिलकर अपना अपना दिमाग लगाएंगे, और अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो भाई गिरी हुकूमत करेगी। ए, मरने वाला कौन था? मेरा भाई था। उसके लिए ये धन दौलत, ये घर, सब कुछ बनाया। मेरे भाई को मारने वाला उस जेडी को और उसके बेटों को मैं अपने हाथों से मारने के बजाय, आए हाय,
पुलिस स्टेशन जाकर हिजड़ों जैसी शिकायत करूं तो मेरी मर्दानगी किस काम की? बोल। ए, काट दूंगा, एक एक को काट दूंगा। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। उसका खून मैंने नहीं किया है। अगर मैं मारना ही चाहता तो सबसे पहले उस पोतिया राज को मारता। ऐसी बात नहीं है जनाब, चुनाव नजदीक है, आपके बेटे को शायद टिकट नहीं मिलेगा जनाब। है, तब तो चुनाव ही नहीं होगा, पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है, समझे? मैं सारे के सारे एमएलए खरीद लूंगा, सारे के सारे। जनाब कार लगी है, जाओ गो। आखिर उसे किसने मारा होगा? सुनिए सुनिए सुनिए, अपना मुस्तकबिल सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी किस्मत में क्या है, आज जो कुछ लिखा है वो सब पढ़ सकता हूँ मैं वो भाषा जानता हूँ जो भगवान लिखते हैं। अरे झूठे कहीं के, क्या है ये? इजाजत के बगैर मंगला की चौल में आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम्हारी किस्मत की लकीर मैंने देखी मंगला, मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल बता दिया तो कॉलोनी वालों की किस्मत खुल जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं मुस्तकबिल बता ही दूँ। है अरे जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। मेरे बदलाव बताने से बदलाव नहीं आएगा। जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बियर बार में लड़कियों के कपड़े धो रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी सुनने के लिए कहो सबको, तुम कब ऊपर जाओगे बताओ क्या? डमडम जरूरत नहीं है, मेरी बहन का मुस्तकबिल रोशन है। तुम ही पूछो। पंडित जी मेरा हाथ देखिए ना। ए मजमुंडे इधर आ। डम 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 डम। है तेरा हाथ तो खाली है बे, मैं बेमतलब किसी का हाथ नहीं देखता। चल वैसे भी लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। डम 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 डम। मैं तो लड़कियों का देखता हूँ। अच्छा ए लड़कियों इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग चटाई पर बैठ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चटाई पर तुम मत बैठो, चटाई पर मैं बैठूंगा। अरे हटो हटो, ये मेरी हीरोइन बेहद खूबसूरत है, उससे भी बढ़कर। हीरोइन एक हीरो के मोहब्बत में पड़ गई है, कामयाब होगी या नहीं जरा ये बता दीजिए। डम 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 डम। माता आ जा आ जा। डम 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 डम। ए लड़की क्या ये सच है? कमरा नंबर 53 में एक खूबसूरत लड़का है, तुम उसकी मोहब्बत में डूब गई हो। डूबी नहीं, भीग गई हो। आप कोई आम ज्योतिषी नहीं है, बताइए ना मेरी मोहब्बत कामयाब होगी ना? समझ गया, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, हाथ खाली है क्या? डालो डालो और डालो और डालो। अरे मेरी जेब से नहीं, बदमाश। ये लो ये लो ये लो। आजा। डम 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 डम। मीठा लड्डू बीच में कद्दू, क्या बताऊं मल्लिका? मोहब्बत कामयाब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो किसी लड़की पर फिदा है। वो शाहजहां दूसरा ताजमहल बनाने को तैयार है। क्या वो लड़की हमारी हीरोइन से भी खूबसूरत है? मैं क्या बताऊं, वो लड़की चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मोरनी नाच रही है। डम डम डम। उसकी कमर सांप की तरह लचकती है, मटकती है, उसकी अदा पर परियां भी शर्मा जाती हैं। इतनी खूबसूरत है। उस जमाने में रंभा उर्वशी मेनका देवताओं के लिए नाचती थी, लेकिन ये लड़की सिर्फ हमारे हीरो के लिए नाचती है। हमारी हीरोइन उसके साथ नहीं नाच सकती है क्या? डम डम। तुम एक काम करो, तुम्हारी हीरोइन की बाई तरफ जगह होगी और हमारी हीरोइन की दाई तरफ, और फिल्म देखने के बाद ही मालूम होगा कि पटाने वाली कौन है। डम डम डम। भूल जाओ भूल जाओ, उस लड़के को भूल जाओ तुम। तो क्या मेरी शादी उससे नहीं होगी? हरगिज नहीं। कैसे नहीं होगी, मैं भी देखती हूँ, मैं भी बॉलीवुड की ही लड़की हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ कितने हीरो मेरे पीछे पागल हुए, दूध में दवा मिलाकर उसे जरूर पटा दूंगी। मेरी भविष्यवाणी के खिलाफ जा रही हो, अगर ऐसा हुआ तो अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? हम किसी की नजर में नहीं आना चाहते। अगर किसी को खबर हो गई होती तो क्या होता मालूम है तुम्हें? जल्दी से चले जाओ यहाँ से। किसी को खबर नहीं हुई, मनिया की मौत का अखबार में पढ़ के गांव के सारे लोग खुशी मना रहे थे। मैं यहाँ पर तुम लोगों को देखने आया था। देख लिया ना, अब जा सकते हो। फिर यहाँ नजर आए तो ठीक नहीं होगा।
तुम्हारी मदद के लिए गांव वालों ने पैसे भेजे, ये पैसे ले लो, लेने से इनकार मत करना, ले लो। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारी आंखों में आंसू नजर नहीं आना चाहिए, बदला बदले की आग नजर आनी चाहिए। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, मार देना, सबको मार देना। तुम रोना मत, तुम रोना मत नरसिम्हा, रोना मत, किसी को मत छोड़ना नरसिम्हा, किसी को मत छोड़ना। मास्टर जी अपना ख्याल रखना। चलो चलो, ख्याल रखना नरसिम्हा। हाय डैड। कहाँ हो तुम? डिस्को जा रहा हूँ डैड। संभल कर रहना बेटा, पोतिया राज के आदमी तुम्हें मारने के लिए बेचैन है। सिक्योरिटी के बगैर कहीं नहीं जाना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ डैड। हाँ आ गया। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ वो लड़का किधर है? अंदर है जनाब। 302 मैनेजर को बुलाओ। सुनो तुम अंदर जाओ, ठीक है जनाब? तुम पार्किंग एरिया में देखो, जाओ। जी जनाब। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप मैनेजर हैं? यस सर। शो खत्म होने में कितना आधा घंटा जनाब? थिएटर में दरवाजे कितने? 6 दरवाजे। और कहाँ कहाँ? आगे दो है, दाई तरफ दो। सारे दरवाजे बंद करो, चलो जाओ जल्दी। कैबिनेट कहाँ है? उधर है जनाब। जनाब जेडी के बेटे की लाश बाथरूम में पड़ी है जनाब। जिस किसी ने भी मारा है यहाँ से फरार नहीं हो सकता। अहम दरवाजा खोलो और सबसे कहो एक एक करके बाहर निकले। सब लोग गौर से सुनिए, यहाँ बाथरूम में कत्ल हुआ है, कातिल आप लोगों के दरमियान है। सब लोग एक एक करके आइए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। चलिए आइए, चलिए चलिए। हम दोनों साथ में रहेंगे तो उसे शक होगा, तुम जाओ। अरे जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ जाओ।
कत्ल हो गया और तुम लोग आराम से सो रहे हो। चलो उठो, मैंने कहा उठो। क्या है ये सब, आधी रात को आकर क्यों चीख रहे हो? हे, हाँ, उस रोज तुम्हारी लड़की की इज्जत बचाने के लिए बस स्टैंड में सबको मारने वाला हीरो कौन से कमरे में है बताओ? क्या कमिश्नर साहब, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? जनाब, हाँ? वो रूम नंबर 53 में है जनाब। चल चल, कहाँ है बता। जनाब जनाब जनाब, वो उस तरफ उस तरफ। ए, मरना चाहते हो? तुम सबको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, खुदकुशी करने के बारे में सोच रखा है क्या? तुम सब क्यों उसके लिए जान दे रहे हो? हाँ, पता चला वहां पर दाढ़ी वाले ने उस गूंगे की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। उस रोज पोतिया राज के भाई मानिया को उसी ने मारा, आज भी जेडी के बेटे फनी को भी उसी ने मारा है। फनी मर गया क्या? वो जेडी का बेटा मर गया? हाँ, मेरे बेटे ने उसे मार दिया। माँ शिरोवाली। कल तक हम 3 लोग थे, आज 2 बचे हैं, कल एक ही सही मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। क्या बक रही है तू? वो गुंगा कहाँ है? क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। नाम है नरसिम्हा,
खूंखार नरसिम्हा। ड्राइवर एमएलए जी आ गए हैं, चालू कीजिए। गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं रुकी है, नरसिम्हा के लिए रुकी है। अरे क्या बातचीत कर रहे हो, मैं आ गया ना, ट्रेन चालू करो। गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं रुकी है, नरसिम्हा के लिए रुकी है। क्यों रुकी है? बारिश नहीं होने पर किसान क्यों परेशान होते हैं? बारिश होने से पहले बादल क्यों गरजते हैं? 14 जनवरी को संक्रांति क्यों होती है? किसकी आंखों में सूरज और चांद नजर आता है? भगवान विष्णु की। मेरे गाँव वालों के लिए भगवान है। नरसिम्हा कौन है? क्या कहा? वो देख। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नरसिम्हा, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। नरसिम्हा, गांव के सभी किसानों का अनाज तुम ही लेकर आते हो, बगैर कमीशन के जिंदगी कैसे चलेगी? अरे मुझे पैसों की क्या जरूरत है, गांव वाले मुझे पाल रहे हैं और मैं गांव वालों की देखभाल कर रहा हूँ। गिन लो, पूरे 110,000 है। अरे पागल, चाय बोल। एक और चाय ले। मुझे पागल क्यों बुलाते हो? मेरे माँ बाप ने मेरा अच्छा सा नाम रखा है। क्या दीवाना का मतलब क्या होता है? पागल। और पागल का मतलब क्या होता है? अरे तो इसे पागल का मतलब समझाओ यार। अरे नरसिम्हा पैसे। रुक। अरे बाप रे। भाई भाई। ए, क्या है बे? वो देखो मेरे पीछे आ रहा है। ये पैसे इसी के हैं। कौन है बे तू? इस पटेल की वर्कशॉप में क्या करना है? हाँ ये पैसे जब तक तेरे हाथ में थे तब तक तेरे थे, अब मेरे हाथ में आ गए हैं तो अब ये मेरे हैं। छीन लेना, पा लेना, खा लेना, सो लेना, मार लेना, रो लेना, धो लेना, कैद होना, अदालत जाना, केस लड़ना और हार जाना, भाग जाना, पकड़ा जाना, ये तुम जैसे बदमाशों की किस्मत में लिखा है कि मेरे जैसे लोग सफाई करेंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी औकात है दूसरों के पैसे से पेट भरना। तारीख पलट कर देख लो, तुम्हारे जैसे बुरे लोगों का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है। इन पैसों से कितने रोज खा सकते हो? एक दिन, एक माह, एक साल, उसके बाद तुम लोग वही करते रहोगे जो करते आए हो। तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग काम कर सको। ये मटके का कारोबार नहीं है, ये लॉटरी का माल नहीं है, ये पैसे किसानों की मेहनत के कमाई के हैं। किसान जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं, पूरे मुल्क को खिलाते हैं, दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं, ये पैसे लूट कर वैसे भी ये पैसे यहीं छोड़ कर जाओगे। किसी बुरे इंसान को नहीं बख्शता, तुम्हें मारना जरूरी है। गंदे नाली के कीड़े, अगर एक बाप की औलाद है तो मेरी बात मान ले, ये काम छोड़कर पैसा लौटा दे, नहीं तो। मुझे मत मारो, पहली गलती पर पिटाई कर देता हूँ और दूसरी गलती पर मौत, ये फॉर्मूला है मेरा। सोन, हाथ पैर चला और कोई काम धंधा कर, खून पसीने की कमाई खा, मेहनत कर। इंतकाम लेने की ख्वाहिश हो तो कभी भी आ जाना, नहीं तो फिर कभी नरसिम्हा की नजरों के सामने मत आना, याद रखना इस बात को। सुहाना, ओ सुहाना, ट्रेन जा रही है, जल्दी आओ। हाँ। अरे जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। आओ आओ आओ। अरे पकड़िए।
जल्दी 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 करो ना। आजकल की लड़कियों का वजन ही नहीं होता, एकदम हल्की फुल्की होती हैं। कौन हो तुम? अरे मैं भी आप ही की तरह एक मुसाफिर हूँ भाई। मैं तो ठीठी समझ रहा था, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी की कमर क्यों पकड़ी? अरे मिल गई तो पकड़ ली। मिल गई तो पकड़ लोगे क्या? चाचा आप क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, शुक्रिया कहने की जगह गाली दे रहे हो। गाली नहीं दूं तो तारीफ करूं क्या? अरे कुंवारी लड़की की कमर पे हाथ डालने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं चाचा, आप तो मुझे पका रहे हैं, मुझे बैठना है, चलिए हटिए। हां आओ ना। अरे क्या हो गया? हाँ जरा आप अपने पैर उठाइए। क्या बोल रहे हो? अरे अपने पैर हटाइए, हमें खेलना है। चल चल शुरू कर। चलिए चलिए हटाइए। ये क्या कर रहे हो? शुरू होने से पहले शो देखना चाहते हो क्या? चल चल शुरू शुरू कर यार, क्या कर रहे हो? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तुम भी खेलो ना हमारे साथ। नहीं कोई जरूरत नहीं है। रुक जा, पत्ता उठा के दे, पत्ता उठा के दे। अरे क्या हाथ हटाओ, तुम्हारी लड़की को खा जाऊंगा क्या? पत्ता ही तो ले रहा था ना। अरे वाह, ए ये लो। अरे वाह, पत्ता तो शो कर दिया। वाह, अरे इसके हाथ अच्छे हैं कि मैं गेम जीत गया। अरे उधर क्यों बिठा रहे हो, यहीं बैठी रहेगी तो कुछ बुराई हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो। हाँ चलो। क्या घूर घूर के देख रही हो? शो। अरे यार हाँ, फुल काउंट है भाई। मेरा भी फुल काउंट है। अरे रुको 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 यार, क्या कर रहे हो? बाकी का शो होने वाला था, पैसे आपस में बटेंगे ना। भैया देखना बंद करो, पैसे निकालो। मेरे पास 10 का नोट है, चिल्लर नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा। बैग से पैसे निकाल कर दो। अरे तुझे तो मैं क्या देख रहे हो? तुम मुझे मारोगे, मारोगे मुझे, मारो मारो, चलो मारो मारो मुझे। क्या बे यार, क्या करने आया तू? ये हमारे गांव के रजिस्ट्री ऑफिसर हैं। सरकार ए, क्या देख रही हो? चलो। एक दिन राम ने सीता से कहा, नमस्ते मास्टर जी। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं खाएगा बोलना, क्यों नहीं खाएगा? अरे दीदी, क्यों नहीं ये खाएगा? क्या दीदी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? कितनी मर्तबा समझाया, ऐसे खाना ही नहीं खाता। क्या खाना नहीं खा रहा है? रुको। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है, तुम्हें भी आ रही है? हां क्या डाल के बनाया है दीदी? और क्या डालूंगी, घी डालकर बनाया है। अच्छा तो फिर तो अच्छा ही होगा। हां ये देखो, ये खाओगे ना तो बड़े आदमी बन जाओगे। अरे मैं भी यही खा के बड़ा हुआ हूं। हां ये खाकर बड़ा हो गया, लेकिन अकल नहीं आई तुझे। वाह 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 वाह, बहुत मजेदार है, खाओगे क्या? तुम खाओगे या हम? हाँ तुम खाओगे या हम? खालो 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 खालो। अरे वाह क्या बात। अरे ये किसे नहीं आता है, बच्चे होने दो, हम भी दिखा देंगे कि हम भी कर सकते हैं। पी लो ना, नहीं तो मरूंगी। मुझे भी मौका मिल गया। वो नरसिम्हा अपने आप को बहुत होशियार समझता था, बच्चे को भूख लगी थी तो खाना खिला दिया। अब देखो मेरे दिमाग का कमाल, मैं उस बच्चे को दूध कैसे पिलाता हूँ। मार मार कर बच्चे को दूध थोड़ी ही पिलाया जाता है, आराम से प्यार से लाप लो मुझे दो। ला 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 ला, बेटा बेटा आ जा, मैं दूध पिलाता हूँ। अरे 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 मुन्ना, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा बेटा। देखिए ये बदमाश क्या कर रहा है। अरे आपने छीन लिया, मैं इसको दूध पिलाना चाहता था। तो अरे अरे, अरे, अरे सुहाना 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 सुहाना, मेरे पास चेंज नहीं है, उसे देने हैं। मुझे 2 का सिक्का दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हारा ये इरादा ऊपर वाले को भी पसंद नहीं आएगा। जब तो मुझे रेल में पसंद आ गई तो मैं घर जाकर। घर जाकर हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या, अभी हमारी शादी थोड़ी ना हुई है। तुम ऐसे करोगी ना तो। मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें एक दिया, तुमने मुझे एक दिया, एक एक करके जमा हो गया 2। लड़का लड़की मिलेंगे तो एक। तुम्हें मैं कैसी दिख रही हूँ? आसमान में रहने वाला चांद, जमीन पर रहने वाली शबनम। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे सिवा गांव में रहने वाली सब मेरी माँ बहन है। शर्म नहीं आती? प्यार में शर्म नहीं होती, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे 2 रुपए का सिक्का दे दो, मैं खामोशी से चल जाऊंगा। मैं उसी दिन दे चुकी हूँ। वो तुम्हारा वाला था, मुझे मेरा वाला दे दो। मुझे छोड़ दो। मुझे दो। हरगिज नहीं दूंगी। मुझे अरे भाई, ये एमआरओ की लड़की तुमसे मोहब्बत करती है क्या? अरे यार ये खाली नहीं है, एक लड़के से मोहब्बत करती है, और उस लड़के ने इसे ये कहकर भगा दिया कि जाओ आईने में शक्ल देख कर आ जाओ अपनी। क्या किस्सा बना रहे हो? क्या बोल रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। एमआरओ की लड़की किसी से प्यार करती है, उस लड़के ने आईने में शक्ल देखने के लिए कह दिया। नरसिम्हा ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कोई नहीं नरसिम्हा है। किससे किससे किससे? नरसिम्हा। क्या सुहाना, क्या है,
गांव में किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको बता दिया ना। नहीं, बच्चों को नहीं बताया। क्या? हमारे भी तो बच्चे होंगे ना। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने बारे में तो कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। क्या कहा? तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारा जिस्म फिगर बहुत अच्छा। ये सब लोगों को बता दिया ना? चीची, तुम्हारी कमर अच्छी है, ये किसी से नहीं कहा। तो और क्या कहा? कहा कि तुम मुझे पसंद हो। क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अभी कहा ना, तुम मुझे पसंद हो। क्या कहा? तुम मुझे पसंद हो। क्या? तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार। अरे पूरा गांव ही आ गया, किसके घर दावत है? तुम्हारे ही घर में। मेरे घर में? आप ही के घर में? बहुत जल्दी ससुर बनने वाले हैं। शुक्र है दादा नहीं बन रहा। ज्यादा देरी करेंगे तो वो भी बन जाएंगे। देर न करते हुए हम बात कर सकते हैं। चलिए अंदर बैठ कर बात करते हैं। नरसिम्हा मेरे घर का दामाद बन रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मंगनी में तो कुछ ही लोग आते हैं, यहाँ तो पूरे गांव वाले आ गए। ये सरकारी मुलाजिम कहाँ से पैसा लाएगा? डरने की बात नहीं है, शादी का खर्चा हम सब उठाएंगे। तो फिर ठीक है, मुबारक हो। अरे ओ, चुप रहो। क्या मुबारक हो? दूल्हे की पसंद ना पसंद नहीं पूछेंगे क्या? क्या बोल रहा है, तुम्हें पसंद है इसीलिए तो सारे गांव वाले आए हैं। क्यों, लड़की पसंद नहीं? अरे चुप, क्यों पसंद नहीं है? लड़की तो बहुत पसंद है। और लड़की के पिताजी? ससुर भी बेहद पसंद है। कमी किस बात की? बोलो बताओ। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा तो पसंद है। सरकार से दहेज मांग रहे हो? मैं सरकार से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। अरे ये मेरी महरूम बीवी का हार है, ये मेरी बेटी के हीरे के मोती का हार है, ये पैसे और इसमें घर के कागजात हैं। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। अरे क्या चाहिए बताओगे तभी तो मालूम होगा बेटा। वो आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये तो छोटी लड़की है, इसे कुछ नहीं मालूम। चाहो तो मुझे बता दो। चाचा है? मुझे आपकी बेटी से क्या लेना है आपको मालूम है? नहीं तो? तो जाइए यहाँ से। मुझे क्या चाहिए आपकी बेटी को मालूम है तो जाइए यहाँ से। बेटी लड़की को आप जाइए ना चाचा, जाइए। ये क्या ड्रामा है? कल कहा मेरी आंखें अच्छी हैं। हाँ, कहा? ये भी कहा कि मेरा चेहरा अच्छा है। कहा ना? कहा मेरी कमर भी अच्छी हाँ, है। वो तो है ही। तो अब क्यों बात बदल रहे हो? ट्रेन में 2 रुपए का सिक्का गिरा था तो वापस नहीं दिया। वो ना वही है। वही है, मुझे क्या मालूम, जब से तुमसे मिला हूँ तब से वही तो पड़ा हूँ। मैं उधर देख रहा हूँ, तुम निकाल लो। अरे वही मतलब यहाँ नहीं वहाँ। अरे ये देखो, इसे यहाँ पर क्यों रखा है? हम दोनों को तो इसी सिक्के ने मिलवाया था ना, इसलिए भगवान के पास रखा है। हमारी शादी हो जाएगी तो इसी से प्रसाद चढ़ाएंगे। तो प्रसाद चढ़ाओगी क्या? जहाँ भी रहेगा ले लोगे, कहा था ना, अब तुम ले सकते हो। अरे वही लेने के लिए तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। नमूने के तौर पर एक ले लूं क्या? क्या? दोना दामाद जी मिला क्या? थोड़ा सा मिला। बाकी का मैं दूंगा, आओ इधर। ना ना, आपके देने की चीज नहीं है। तो लड़की से ही पूरा ले लो। अरे बाबा डरने की कोई बात नहीं है। साइकिल सीखने से क्या होगा? जब मैं खेतों में काम करूंगा तो साइकिल से आकर आवाज देना। ए, सुनो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसलिए तुम्हारा साइकिल सीखना जरूरी है। चलो 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 चलो। अरे नरसिम्हा छोड़ क्यों दिया? अरे पकड़ो मुझे नरसिम्हा। अरे आगे देखो सुहाना। नरसिम्हा आप बस करके गाड़ी चला रहे थे क्या? मेरी साइकिल तोड़ दी। साइकिल ही नहीं जाने मन, कपड़े भी फट गए हैं, सिलवा दूं? कौन है बे तू? अच्छे इंसान का भगवान हो और बुरे इंसान के लिए शैतान हो, नाम है नरसिम्हा। चलाट रोक जा, और एक कदम बढ़ा है तो जिंदा नहीं बचेगा। ए, चलाट। कहा ना, ये हमारा गांव है, यहाँ हम इसी तरह से समझाते हैं, नहीं माना तो ऐसे समझाना पड़ेगा। ये सुहाना के कपड़े और साइकिल की मरम्मत के लिए। एक फोन करूंगा ना तो। जुबान बंद कर, जब इससे कुछ नहीं कर पाया तो फोन से क्या करेगा? अरे अरे क्या कर रहे हो, रुको। नरसिम्हा मालूम है ये कौन है? जड़ी साहब के बेटे। तो इनसे कहो कि 3 वक्त का खाना खाए और 6 वक्त निकालने जाए, लेकिन फिर कभी हमारी नजरों के सामने ना आए। क्या कह रहे हो नरसिम्हा? मेरी साइकिल को धक्का मारकर मुझे पानी में गिरा दिया। तो ये झगड़ा तुम्हारी वजह से हो रहा है? माफ कर दीजिए, ये मेरी बेटी। कल तक थी, आज से ये मेरी होने वाली बीवी है। MLA जी इनसे कह दीजिए, ये गाँव है, यहाँ की जमीन पानी और हवा पाक है, कोई भी अगर गलती करेगा तो मार खाएगा, और नहीं माना तो मार दिया जाएगा, याद रखना। चलो सुहाना।
अरे भाई, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जनाब, ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा के एमएलए साहब को दे दूंगा। अब मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं, इनके पिताजी ने लेने आने के लिए कहा था। तुम लोग तकलीफ मत उठाओ, शहर जाओ, मैं भिजवा दूंगा। नहीं, 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 नहीं। ये गांव मुझे बहुत पसंद आया अंकल, कल तक रुक कर उसके पास जाएंगे। अच्छा, तुम जल्दी से काम करके खुद ही फाइल लेकर आ जाना, अब मैं चलता हूँ। चलो 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 चलो। ए पार्टनर, तुम यहाँ क्यों रुके हो, मुझे सब मालूम है। हाँ दोस्त, सुबह जिस लड़की को देखा था अभी भी नजरों के सामने दिखाई दे रही है। सही कहा। भैया जल्दी आइए, सुहाना भी आने वाली है, दोनों साथ में फेरे लोगे तो अच्छा होगा, ऐसा पुजारी जी ने कहा। अरे बाप रे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हेलो सुहाना, टेबल पर एक पीले रंग की फाइल है, उसे लेकर जेडी साहब के लड़के जो टूरिस्ट बंगला में रुके हैं उन्हें ले जाकर दे दो। हेलो जनाब, मैं मारो बोल रहा हूँ, सब कलेक्टर जी ने मुझे अभी जल्दी में बुलाया है। तो मेरी फाइल कब मिलेगी? जनाब मेरी बेटी लेकर आ रही है। ठीक है ठीक है, मंसूबा कामयाब पार्टनर। बहुत एक्साइट हो रहा हूँ मैं। मेरा भी वही हाल है। नमस्ते जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज विजयदशमी है ना, तो भैया और सुहाना भाभी मंदिर में फेरे ले रहे हैं, इसलिए ये चिंकी को क्या हुआ है डॉक्टर? हाँ? उसके साथ जबरदस्ती हुई है। सुहाना, सुहाना, क्या हुआ चिंकी को? क्या हुआ है सुहाना? डॉक्टर, डॉक्टर, चिंकी, मेरी 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 बहन, क्या हुआ भैया? क्या हुआ इसे? बहन, 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 देख तेरा भाई आया है, देख बहन। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर, बोलो ना, बोलो बहन, बोलो। डॉक्टर, चिंकी, चिंकी को क्या हो गया? बताइए, बताइए ना डॉक्टर, क्या हुआ चिंकी को? बताइए, मेरी चिंकी को क्या हुआ? शांत हो जाओ। चिंकी को क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या हुआ इसे? हमारी चिंकी की इज्जत लूट गई है, समझ रहे हो? हमारी चिंकी की इज्जत लूट गई है। नहीं, नहीं, नहीं। बहन, चिंकी, बहन, ये बहन, 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 बहन। नहीं, नहीं, नहीं। दादाजी, देखिए, देखिए, देखिए हमारी चिंकी छोटी। माँ, ए माँ, माँ, हमारी चिंकी, देखिए ना इसे क्या हो गया? मास्टर जी, देखिए ना क्या हो गया चिंकी को, देखिए ना जरा चिंकी को क्या हो गया? चिंकी, चिंकी, एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल, निकल, कहाँ है? यहां भी नहीं है। ए, 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 जल्दी बता कहाँ है, बोलो कहाँ चले गए? नसीमा, अगर तुम पागलों जैसे बर्ताव करोगे तो चिंकी को इंसाफ मिलेगा क्या? हाँ बोलो। मेरी बात सुनो, एमएलए के पास चलते हैं। चलो एमएलए के पास। अरे चलो ना।
एमएलए जी। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? कल हमारे गांव में दो लड़के आए थे, मतलब दोनों ने हमारी चिंकी की इज्जत लूट ली। एक मिनट, मैं एसपी को फोन करता हूँ। उनसे कुछ मत कहिए, उन लोगों को तो मैं मारूंगा। तुम्हें उन दोनों की मौत चाहिए ना, तो मिलेगी ना। मैं खत्म करवाऊंगा दोनों को, नहीं तो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। इनकी बात मान लो नरसिम्हा, अब गुस्सा छोड़ दो, चलो घर चलो। आप लोग भी चलिए, चलो चलो। ये इतना अकड़ क्यों रहा है? इसे मार दूं क्या? नहीं, जल्दबाजी नहीं। इस वक्त हमारे एमएलए कानूनी तरीका अपना रहे हैं। उनके पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है यह मैं बता दूंगा। आपकी ये हिम्मत, इस गांव के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ का रीति रिवाज मालूम है? नहीं डॉक्टर, जब तक वो स्टेशन से लौट कर आए उससे पहले मैं और आप एक समझौता कर लेते हैं। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। मैं तुम्हें खिलौने बेचने वाला नजर आ रहा हूँ। 10 लाख। एक सीनियर सरकारी मुलाजिम को इतना बेगैरत समझा है क्या तुम लोगों ने? 15 लाख। एमएलए की बात मानकर नरसिम्हा खामोश है। तुम्हारे लोगों ने ही चिंकी की इज्जत लूटी है। ये बात अगर नरसिम्हा को मालूम हुई ना तो वो तुम्हें इसी कमरे में मार देगा। 20 लाख रुपया। सॉरी, जबरदस्ती कीजिएगा तो पुलिस स्टेशन में फोन करना पड़ेगा। पैतीस लाख। घबराइए मत, हादसे के बाद से ये ऐसे ही हैं। कहीं भी हो उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करूंगा। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ नरसिम्हा, तुम्हारी चिंकी अब हमारे बीच नहीं रही बेटा। हाँ। दादाजी देखिए, चिंकी को देखिए, बात नहीं कर रही है दादाजी। क्या हो गया दादाजी? दादाजी, दादाजी, बहुत देर हो गई, अब चलो ना। ये फाइल मुझे टूरिस्ट बंगलों तक पहुंचानी है। ये फाइल मैं ले जाती हूँ, आप और भैया अगर मंदिर में फेरे लेंगे तो अच्छा होगा, पुजारी जी ने कहा है। दीजिए। सुनो, जरा ये रिपोर्ट तो देखो। ये क्या मास्टर जी, आप तो कह रहे थे कि आपकी बच्ची का रेप किया गया है। हाँ सर। पर रिपोर्ट में तो कुछ और है। हाँ? ये क्या डॉक्टर, उस दिन आपने क्या कहा और आज क्या लिखा है? जो हुआ वही तो लिखा है। चिंकी का रेप हुआ है या आपने ही हमें बताया था? मैंने कब कहा था, वो बच्ची खेलते वक्त गिर गई, चोट लगने से मर गई, और क्या? झूठ बोल रहे हैं आप, पैसों की लालच में झूठी रिपोर्ट लिखी है आपने। नरसिम्हा,
अरे डॉक्टर को कुछ मत करो। देखा देखा कितना बड़ा हादसा हो गया। कितनी मर्तबा कहा नरसिम्हा रुको रुको रुको, लेकिन तुमने सबकी नजरों के सामने डॉक्टर को मार दिया। नरसिम्हा कातिल बन गया। राव जी, आप इस केस की कार्रवाई जल्द शुरू कीजिए। अरे जी जनाब। तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय यहां पर क्यों लेकर आया मालूम है? चिंकी की मौत सिर्फ रेप से नहीं हुई है, हकीकत कभी भी बाहर आ सकती है। यह सोचकर जेडी और पोतिया राज ने सोचा कि डॉक्टर को 35 लाख रिश्वत देकर चिंकी का गला घोट दिया जाए। बीच में आने पर सीताराम को भी मार दिया। उस डॉक्टर को मार कर तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुम्हें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए तुम्हें यहाँ से फरार होना ही होगा। भाग जाओ नरसिम्हा। मेरी वर्दी भी अगर चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जान से मार देना। भाग जाओ नरसिम्हा, भाग जाओ। शुक्रिया, सारी परेशानी हल हो गई। परेशानी तुम्हें नहीं, परेशानी मुझे है। क्या मतलब? मैंने नरसिम्हा को क्यों मार दिया ये डिपार्टमेंट पूछेगा। उसने कांस्टेबल को मार दिया इस वजह से। ओरे, ये बोलने के लिए एक कांस्टेबल का इंतजाम कीजिए ना भाई। अरे अरे अरे, इनको क्यों मार दिया? अब क्या होगा? एमएलए जी, एसआई को नरसिम्हा ने मार दिया, नरसिम्हा को एसआई ने मार दिया, दोनों मर गए, तो अब केस बंद। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरे नरसिम्हा को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। मेरा नरसिम्हा अभी जिंदा है। हाँ, नरसिम्हा, नरसिम्हा। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। सुहाना, तो बात मत करो नरसिम्हा, बात मत करो। चिंकी और दादाजी को धोखे से मारने वाले उन बदमाश गुंडों को खत्म करने तक तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं है, पूरे गांव का है। जाओ, उन बदमाशों को एक एक करके मार डालो। जब तक तुम उन्हें मार कर वापस नहीं आ जाओगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। नरसिम्हा, आज तक तुमने क्यों बात नहीं की, ये मुझे आज मालूम हुआ बेटा। सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो वो सही है। तुम्हारा साथ देने के लिए सिर्फ तुम्हारे गांव वाले ही नहीं बेटा, हम सब भी तैयार हैं। अगर खून के बदले खून हो तो ये सारा संसार कब्रिस्तान बन जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई, क्योंकि मेरी भी एक 14 साल की बेटी है। खैर छोड़ो, वो एक अलग कहानी है। वैसे तो कानून की हिफाजत करने वाला मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, पर अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम गिरफ्तार हो जाओ, देखो उन लोगों को सजा मैं दिलवाऊंगा। मुझ पर यकीन करो। यकीन करूं?
गोली से भरी आपकी सरकारी पिस्तौल में गलत इंसान को सजा देने की ताकत नहीं है, वो मेरे पास है। यकीन कीजिए, तुम्हारा डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर पाया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। गवाह, अदालत और सबूत के बगैर गलत काम करने वालों को वही सजा देता हूं जिसने गलती की है, उसे मारने के लिए त्रिशूल पर यकीन रखता हूं, बदमाशों को मारने वाले इस मुट्ठी पर यकीन करता हूं। हम लोग गांव वाले हैं जनाब, हमें धोखा देना नहीं आता, किसी को मारना भी नहीं आता है, हम तो अनपढ़ लोग हैं जनाब, लेकिन दुनियादारी मालूम है जनाब। सभी औरतों की इज्जत करते हैं, मां को देवी मानते हैं, हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन इंसान को मारने के लिए नहीं जनाब, फसल काटने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए। सीधा साधा इंसान को कातिल किसने बनाया जनाब, बताइए? जो एक चींटी को भी नहीं मार सकता उसे कातिल किसने बना दिया जनाब, बताइए? मैं कोई गुंडा नहीं हूं, नहीं, मुझे गुंडा बना दिया गया है जनाब, खो दिया जनाब, सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को, अपने दादाजी को, अपनी खुशी को, यहां तक कि अपनी देवता जैसे मास्टर जी को भी खो दिया जनाब। जब तक उन लोगों को मार नहीं दूंगा, सुकून की सांस नहीं लूंगा जनाब। बचे दो लोगों की मौत जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, तब तक मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। आपका कहा मानकर खुद को कानून के हवाले कर दूंगा जनाब, लेकिन उन दोनों को मारने के बाद ही गिरफ्तार होऊंगा जनाब, यकीन कीजिए। नरसिम्हा, नरसिम्हा रुक जाओ, रुक जाओ, अरे डेविड, डेविड, अरे क्या हुआ, डर क्यों गए? सुहाना की हालत देख के मायूस है, इसलिए सोया है। क्यों, क्यों का क्या मतलब है? नरसिम्हा उन लोगों को मारकर कब गांव आएगा? सुहाना और नरसिम्हा की खुशी हम लोग कब देखेंगे? अरे तुम ऐसी बातें मत करो, नरसिम्हा ने जेडी के बेटे को मार दिया। क्या, ये देखो। पर तुम मुझसे क्यों मोहब्बत जता रहे हो? ये बात अगर सुहाना को पता चली तो अरे ना जाने क्या होगा उधर वाले। हरगिज नहीं, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगा। उस कमीने पोतिया राज को तो मैं देख लूंगा। जनाब जेडी, मैं डॉन हूँ जनाब। तुम्हारे पैर भी पड़े तो इस चोर को छोड़ना मत भैया। मुझे जाने दो वरना इसे शूट कर दूंगा। नहीं जेडी, अभी मैं अपने भाई के गम से बाहर नहीं निकला, अब इसे भी मारोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे रहूंगा? ये मेरा शागिर्द है बे, इसे तो मैं खुद ही मार सकता हूँ। अपने आप भी उसे कह दे सब पीछे हट जाए। गो बैक। एए, वो एक जख्मी भेड़िया है, अगर बच गया तो पलट के वार करेगा, पकड़ो उसे। Thank you.
मेरा नाम जेडी है, जयदेव। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मेरा नाम सबको मालूम है। मेरे साथ डिनर करने के लिए राइट साइड से सियासतदान, लेफ्ट साइड से गुंडे बदमाश, ये सारे लोग तरसते हैं। मेरी औकात उस लेवल की है, फिर भी वो पोतिया राज मुझे मारना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया। तुझे बचाने वाला भगवान नहीं, मैं हूं। हाँ, एक ही बात है, तुम्हारी शक्ल में आकर भगवान ने मुझे बचाया। आज मेरी जान बचाने वाले तुम्हें क्या चाहिए, बताओ बताओ। पैसे चाहिए, जमीन चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, सरकारी ओहदा चाहिए? एक मिनट में इंतजाम कर दूंगा। मेरी चिंकी मुझे चाहिए, मेरे दादाजी मुझे चाहिए, मेरी खोई खुशियां मुझे चाहिए। Hey, कौन है तू? नरसिम्हा, खूंखार नरसिम्हा। नहीं, तू तो मर गया था, मेरे सामने ही तुझे गोली मारी गई थी। जब तक तेरे जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक नरसिम्हा नहीं मर सकता। तो तुमने ही पोतिया के भाई मनिया को मैंने ही मारा था, तेरे बेटे को भी मैंने ही मारा है, और अब तेरी मौत भी मेरे ही हाथों होगी। नहीं, बॉडी ले जाओ। इंस्पेक्टर जनाब, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए फौरन। जी जनाब। बात समझ में आ गई ना? जाओ 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 जाओ। ए, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। गलती करने वाले से उसे बचाने वाला बड़ा गुनहगार होता है। किसने कत्ल किया? जेडी को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। मारा बोल। बच्चा, आजा। बोल, किसने कत्ल किया? मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुझे मालूम है? कमिश्नर जी रुकिए, आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हाँ, कत्ल किसने किया है आपको नहीं मालूम? तो मैं ही बताती हूँ। मुझे नाम मालूम है, मालूम है मुझे। किसी भी हाल में उसका नाम जबान पर मत लाइए, यही बात बताने के लिए मैं यहां आया हूं। अच्छा काम करने वाले इस दुनिया में कई लोग होते हैं, वो भगवान है, उनमें से एक है नरसिम्हा। मां, ये खाकी जो काम नहीं कर पाया ना, वो काम उसने कर दिखाया। उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज।
हेलो जी जनाब, परेशान ना होइए जनाब, मैं उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लूंगा। जेडी को मैंने नहीं मारा, जेडी के बेटे को भी मैंने नहीं मारा, तो मेरे भाई को किसने मारा? जेडी नहीं तो आखिर कौन है? भाग जा क्या? भाग गया जनाब, हमें भी छोड़ दीजिए, हम भी भाग जाए। कमिश्नर को फोन करो। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया मुझे मालूम है। जेडी का खून तुमने नहीं किया, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, यही बताने के लिए। नहीं, जेडी को मैंने ही मारा, ये बताने के लिए बुलाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। ए, उन्हें ले आओ। आओ मीडिया वालों, सबको प्रणाम। जेडी को मैंने ही मारा है, इसलिए गिरफ्तार करने आए। मैंने कहा रिकॉर्ड करो। चुप हो, अंदर चलो। पागल हो गए हो क्या? ये खबर लाइव टेलीकास्ट हो रही है, बाद में तुम बचाने के लिए कहोगे तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। आप मुझे बचाएंगे? मुझे यकीन नहीं है। जेडी को, उसके बेटे को, मेरे भाई को किसने मारा ये मुझे मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, और वो कहाँ है ये तुम्हें मालूम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं कैद में ही महफूज रहूंगा, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब तुम गिरफ्तार करोगे या आईजी को फोन करूँ मैं? जनाब, पोथिया राज को गिरफ्तार कर रहे हैं क्या? इसने कबूल किया है कि जेडी को इसी ने मारा है, इसीलिए पोथिया राज को मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी जनाब। ख्याल रहे वो बेहद होशियार है, मुझे यकीन है कि उसने मुझ पर नजर रखी होगी। वो टीवी में जरूर लाइव देख रहा होगा। मेरे कैद खाने जाने के बाद मुझे मारने का मंसूबा बनाएगा। तुम्हें क्या करना है मालूम है ना? क्यों साहब, परेशान है? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जाने में डर लगता है। कुछ नहीं होगा, डरिए मत। तू समझ रहा था कि मुझे मार देगा, लेकिन देखा तूने मैं तुझे कैसे मौत के पास ले आया हूँ। आज तुझे मारकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी और मेरी बहन के रूह को भी सुकून मिलेगा। आ जा। इसकी मौत का जश्न मनाओ।
नरसिम्हा, इसको मार दो। तुम्हारे गांव में सूरज नहीं डूबा, सभी अन्याय करने वाले डूबे। नए सूर्योदय का जैसे दुनिया को इंतजार रहता है, वैसे ही तुम्हारे लिए सुहाना इंतजार कर रही होगी। जाओ। तुम्हारी बहन की रूह को सुकून दिलाकर गांव वालों के लिए तुम्हें जीना है नरसिम्हा। जाओ, तुमने कुछ भी नहीं किया और मैंने कुछ देखा नहीं।